रही बारिश और मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य आपदा नियंत्रण कक्ष पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों से चार धाम समेत राज्य में हो रही लगातार बारिश को लेकर स्थितियों का जायजा लिया। यही नहीं, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए और कहा कि चार धाम यात्रा के दौरान विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए कि बारिश से श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। इसके अलावा यदि कहीं रास्ते बंद होते हैं तो उन्हें तत्काल प्रभाव से खोला जाए। दिनों तक बारिश का अलर्ट है और भारी बारिश होने की संभावना है, उसको देखते हुए आज आपदा प्रबंधन के जो काम चल रहे हैं उसके बारे में सब जगह जानकारी दी है, जिलाधिकारियों से भी बात की और आपदा प्रबंधन सचिव भी सब देख रहे हैं। उसके साथ साथ एसडीआरएफ की टीम सभी जगह लगी हुई है, एनडीआरएफ के लोग लगे हुए हैं, पीडब्ल्यूडी हेल्थ डिपार्टमेंट और हमारे सहयोगी जितने भी सब डिपार्टमेंट है सभी काम कर रहे हैं, सभी में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन है और जो भी स्थिति है उस स्थिति के लिए सभी लोग तैयार हैं। अभी बात की सबने अपने अपने स्तर से तैयारी भी कर रहे हैं, कहीं कहीं जल भराव भी हुआ है और यह भी सभी जिलाधिकारियों को कहा गया है कि जहां जल भराव हो रहा है जहां पर जो हमारे नाले हैं या छोटे रास्ते हैं, कई स्थानों पर घास, कई स्थानों पर पन्नी इत्यादि कई सारे कपड़े ऐसे फंस जाने के कारण से भी जल भराव एकदम से ज्यादा हो जाता है, तो सभी को आज दिखवा लेंगे क्योंकि आज गहरी बरसात हो रही है। इसके बाद हम सब लोगों को पता लग जाएगा कि कहां कहां पर काम करना है, उसके हिसाब से सभी लोग अपने अपने स्थानों पर काम करेंगे, अपने अपने जिलों पर काम करेंगे। सीएम साहब, चारधाम के जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनसे कुछ प्रदेश सरकार की अपील भी है? चारधाम श्रद्धालुओं से मैं लगातार एक ही बात उनसे अपील करता हूँ कि अगर मौसम ज़्यादा खराब होता है तो अपनी यात्रा को रोक दें और मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी है उसके अनुसार ही जो है अपनी यात्रा का भी बनाएं, अपनी यात्रा का प्लान करें। अच्छा,